देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये हिमाचल से जुड़ा हुआ हिमाचल के भविष्य का चुनाव है। और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर रही है, उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को दबाया, अनसुना किया, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी वर्ग प्रदेश के अंदर नहीं था पिछले 5 साल में जिन्होंने विधानसभा का या मुख्यमंत्री कार्यालय का या सचिवालय का घेराव नहीं किया। किसान, बागवान, कर्मचारी, युवा साथी, बेरोजगार, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं, सब ने इस सरकार का डटकर विरोध किया है। अभी 6 महीने साल पहले ही जो मंडी के उपचुनाव हुए, लोकसभा के, 3 विधानसभा के हुए, चारों खाने ये सरकार चित हुई है। तो ये वो था सेमीफाइनल, अब फाइनल है। और इस फाइनल में भी ये चित होंगे, सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जो जो हमने बातें करी है, गारंटीज करी है, उनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा जो बात है जिसको हम पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं उससे चेंज आ सकता है? जो रिवाज की बात कर रहे हैं वो बदलेगा? देखिए, रिवाज हिमाचल प्रदेश की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, देव समाज है, ये कौन होते हैं इसको बदलने वाले? ये कोई नहीं होते हैं। हिमाचल का संस्कृति, देव समाज और हमारी परंपराएं और रिवाज जारी था, जारी है और जारी रहेगा। मतदाताओं को क्या कहेंगे? मतदाता को मैं ये कहूंगा कि आपने हिमाचल प्रदेश के नए, हिमाचल प्रदेश के सूर्य उदय के लिए अपना मतदान करना है। हिमाचल प्रदेश में हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। एक समय था जब वीरभद्र सिंह जी की सरकारें थी, जब हर पैरामीटर्स में हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 का अवार्ड मिला है, बड़े राज्यों की तुलना में भी। आज हम ग्राफ में लगातार नीचे आते जा रहे हैं। हमको, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको हिमाचल को वापस देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।